बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफा देने से पहले उन्होंने सदन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि गलत या सही क्या है, इसका जवाब मैं जनता पर छोड़ता हूं, लेकिन अपने कार्यकाल में मैं हमेशा इस सदन और लोकतंत्र की खूबसूरती बरकरार रखने की कोशिश किया है। एक एक सवाल का 16-16 पूरक पूछने का मौका मैंने सदस्यों को दिया है। आज तक मैंने जो भी कार्य किया है वह संविधान और विधानसभा की नियमावली के दायरे में रहकर ही किया है। ज्ञात हो कि आज नीतीश कुमार की महागठबंधन वाली सरकार को सदन में विश्वास मत हासिल करना था, इसलिए आज विशेष सत्र आहूत की गई थी। इससे पहले विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कुछ सदस्यों के द्वारा दी गई थी, लेकिन इस पर वोटिंग की नौबत नहीं आई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दो घंटे का बहस जो परंपरा है, नियम है, रहेगा, सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं और 2 बजे दिन में सदन पुनः प्रारंभ होगा। अब सदन स्थगित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप इससे कवल की स्थगित करें, आप ये संवैधानिक परंपरा के विरुद्ध कर रहे हैं। चूंकि उपाध्यक्ष हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है, हमारी नियमावली भी इसको नहीं बदल सकती। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं पटना से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध, विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है तो ये वो इस्तीफा ऐसे भी दे सकते थे, इसके लिए विशेष बैठक बुलाने की क्या जरूरत थी? सिमरन, मैंने कल बताया था कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा आज किसी भी सूरत में देना पड़ेगा ही, क्योंकि 164 सदस्य का समर्थन नई सरकार को प्राप्त था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष इस बात से अड़े थे कि उन्हें कुछ अपनी बात सदन में रखनी थी, क्योंकि वो सदस्यों से नाराज थे। अगर उन्हें अविश्वास मत पेश करना था तो उनका कहना था कि उस दिन पेश किया गया जिस दिन बिहार विधानसभा में छुट्टी थी, छुट्टी के दिनों में, और 50 सदस्य के द्वारा अविश्वास मत प्रस्ताव पारित पेश किया गया था, जिसके कारण वह इस्तीफा नहीं दे रहे थे। कुल मिलाकर विधानसभा अध्यक्ष आज अपनी बात विधानसभा के सदन में बखूबी रखे। उन्होंने कहा कि जितना दिन मैंने सदन को चलाया है, लोकतंत्र की खूबसूरती को मैंने बरकरार रखा है, विधानसभा की जो नियमावली है उसको कभी भी मैंने लांघा नहीं है, अपनी हर बात बखूबी हमने विधानसभा में रखा है। सरकार से सवाल का जवाब दिलवाना हो या विपक्ष का सवाल हो, मैंने एक एक क्वेश्चन में 16-16 पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया है। ये बातें कहकर विधानसभा अध्यक्ष ने आज विधानसभा में इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि क्या सही है, क्या गलत है, सरकार कैसे आई नहीं आई, इससे उन्हें कुछ नहीं कहना है, ये जनता डिसाइड करेगी और जनता बखूबी समझदार है, वो खुद सोचेगी कि हमारा शासनकाल कैसा रहा।